अब बात मीडिया की। टेलीविजन पत्रकार टाइम्स नाउ के गोविंद गुर्जर अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जल्दी सभी को उनका एक नया रूप भी देखने को मिलेगा। कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि एक पत्रकार गोविंद गुर्जर व्यंग्य लेखन के साथ कविता और गजलों में भी अपने हाथ आजमाते रहते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में जन्मे गोविंद ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने अपने नाम के साथ लेखन में गोविंद भोजपाली लिखना शुरू किया। भोजपाल भोपाल का ही नाम होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर संशय है, विवाद की स्थिति है, लेकिन एक पत्रकार के रूप में गोविंद ने अपने रुख को स्पष्ट कर दिया और अपने नाम के साथ गोविंद भोजपाली लिखना शुरू किया। अंग्रेजी के टीचर है गोविंद गुर्जर ने टेलीविजन में टोटल टीवी से आगाज करने के बाद डीडी न्यूज़ में एंकरिंग की और न्यूज़ 24 के आउटपुट में काम संभाला और फिर न्यूज़ 24 के मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में ब्यूरो चीफ बने। न्यूज़ 24 के बाद गोविंद गुर्जर ने टाइम्स नाउ ज्वाइन किया और कई बड़ी खबरें मध्य प्रदेश से ब्रेक की। अब पत्रकार गोविंद अपने शायराना अंदाज में सबके सामने होंगे। उनकी पहली किताब में उनकी कविताएं और शायरियां उनका एक अलग ही स्वरूप सबके सामने लाएंगी। इस किताब में गोविंद गुर्जर के टू लाइनर्स उनकी सोच को प्रदर्शित करेंगे। गोविंद को अनेक शुभकामनाएं। अभी बस इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।